नमस्कार दोस्तों, मैं सुभलेश सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल गैलेक्सी क्लासेस में। ध्वनि हमारा कुछ कंप्लीट हो गया था, आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ध्वनि 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 के क्या रह गए थे? लक्षण रह गए थे, लक्षण लक्षण। देखिए, लक्षण दूसरी चीज हो जाती है और जो उसके गुण होते हैं वो दूसरी चीज़। लक्षण का मतलब पहचान, ठीक है। लक्षण का मतलब पहचान, जैसे मलेरिया के लक्षण क्या हैं कि घुटने में दर्द होगा, ये होगा, वो होगा, वो उसकी पहचान हो गई, ठीक है। तो इसी प्रकार से ध्वनि के कुछ लक्षण हो जाते हैं। जैसे लक्षण उसका हो जाता है तीव्रता, ठीक है, लाउडनेस, इंटेंसिटी, सिटी या लाउडनेस, ठीक है। दूसरी चीज़ हो जाती है इंटेंसिटी या लाउडनेस हो जाता है। दूसरी चीज हो जाती है उसकी जो है पिच, ठीक है। दूसरी चीज तारत्व, तारत्व, ठीक है, यानी कि पिच। और तीसरी चीज हो जाती है गुणता, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी। अब देखिए क्या होता है तीव्रता। तीव्रता का मतलब होता है तेज सुनाई देना। जैसे कुछ आवाज़, जैसे बोल रहे हैं तो धीमे सुनाई दे रहा है, ठीक है, इसको अगर वॉल्यूम बढ़ा लेंगे तो तेज़ सुनाई देगा। यही चीज़ होती है, क्या कहते हैं, तीव्रता, इंटेंसिटी, लाउडनेस, ठीक है, कितना लाउड कर दें उसे, तो ये लाउडनेस हो जाती है, ठीक है। तो तीव्रता ये हो जाती है। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि ये ध्वनि क्या होती है, ऊर्जा का प्रवाह होती है, यानी कि इसमें जो है ऊर्जा होती है। तो ध्वनि क्या होती है, तीव्रता कैसे दिखाई जाती है, तीव्रता, ठीक है, तीव्रता जो होती है एक एरिया जो हो गया, इससे प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा गुजर रही है, इसे ही कहते हैं तीव्रता। यानी कि एकांक एरिया से क्या होती है, एकांक, एकांक क्षेत्रफल से, फल से प्रति सेकंड, सेकंड गुजरने वाली ऊर्जा, गुजरने ने वाली ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा, ठीक है। यानी कि जैसे इतना क्षेत्रफल हो गया, अब एक से ये एक मीटर स्क्वायर हो गया, पूरा क्षेत्रफल जो हो गया एक मीटर स्क्वायर हो गया, अब इससे एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में जितनी ऊर्जा गुजर जाएगी, ठीक है, एक सेकंड में जितनी ऊर्जा गुजर जाएगी उसे ही कहते हैं तीव्रता, ठीक है। मतलब क्या बना, इसका मात्रक क्या बना, इसका मात्रक ये बना गुजरने वाली ऊर्जा, ऊर्जा किस जूल में लिखते हैं, जूल प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति सेकंड, यानी कि इसका मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मात्रक। तो ये इसका जो है मात्रक हो जाएगा, मात्रक, ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाएगा, जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में एक मीटर स्क्वायर से गुजरने वाली ऊर्जा की मात्रा। या इसे ही जूल प्रति सेकंड को कहते हैं वाट, ठीक है, तो इसे कहेंगे माइक्रो वाट, माइक्रो वाट। देखिए अब इतनी ज़्यादा ऊर्जा तो होती नहीं कि कोई उसमें जो है उड़ जाए, ठीक है, हम लोगों के बोलने में उतनी ऊर्जा तो होती नहीं कि कोई उसमें उड़ जाए, या रेल के सायरन में उतनी तो ऊर्जा होती नहीं कि वो ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा घातक हो जाए, इसलिए माइक्रो यानी कि बहुत छोटी होती है, माइक्रो वाट प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि एक मीटर स्क्वायर से कितने माइक्रो वाट जो है गुजर रहा है। तो लेकिन इसका जो इतना बड़ा सा जो ये है मात्रक, पूछा गया एग्जाम में, ये मात्रक जो है ये बहुत बड़ा है। हम लोग इसको पढ़ते हैं जो है, क्या पढ़ते हैं कि जो है ध्वनि होता है उसका मात्रक क्या होता है, डेसिबल, यानी कि जो है बल का मात्रक जो है डेसिबल, डेसिबल पढ़ते हैं, ठीक है, डेसिबल, ठीक है। तो ये इसका जो है मात्रक हो जाता है, तीव्रता का मात्रक हो जाता है कि कोई आवाज़ हमें कितनी जोर से या धीमे से सुनाई दे रही है, यानी कि कितनी ऊर्जा जो है हमारे कानों तक आ रही है, ठीक है, तो ये हो जाता है जैसे, ठीक है, तो ये इसका मात्रक हो गया। अब क्या है, ये किस पे जो है डिपेंड करता है, यानी कि ये जो है तीव्रता, जो तीव्रता होती है ये किस पर जो है डिपेंड करती है, तो ये जो डिपेंड करती है ये आयाम पर डिपेंड करती है, आयाम, आयाम का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि जितना ज़्यादा आयाम, आयाम क्या होता है, हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, आयाम क्या होता है, ये चीज़ होता है, यानी कि ये पिच, ये चीज़ जो होती है ये आयाम कहलाती है, यानी कि आयाम जितना ज़्यादा होगा उसकी तीव्रता उतनी ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि छोटा सा यंत्र होगा, ठीक है, तो उससे छोटी एनर्जी निकलेगी, और बड़ा सा यंत्र हो जाएगा वो चिल्लाएगा तो बड़ी सी ऊर्जा निकलेगी, ठीक है, यानी कि बड़े यंत्र से ज़्यादा ऊर्जा जो है निकलती है,
तो ये उसके आयाम का स्क्वायर होता है। या तीव्रता बराबर और किस पर डिपेंड करती है, तीव्रता जो होती है ये उसकी जो है जो है क्या कहते हैं, जो उसकी आवृत्ति होती है उस पर भी डिपेंड करती है, आवृत्ति पर, ठीक है, आवृत्ति पर डिपेंड करती है, आवृत्ति के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। या तीव्रता ही क्या होती है, आवृत्ति जितनी ज़्यादा तीव्रता उतनी ज़्यादा। आवृत्ति क्या होती है, बीच की दूरी, ये दूरी हो गई, ठीक है, बीच की दूरी की स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि दूरी, एक सुनने वाला यहाँ है, स्पीकर यहाँ पर रखा है, एक सुनने वाला यहाँ पर है, स्पीकर यहाँ पे रखा है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये ज़्यादा है तो कम हमें सुनाई देगा, ठीक है ना, कम हमें सुनाई देगा, इसमें जो है ज़्यादा सुनाई देगा, यानी कि यही हो गया, ये ज़्यादा हो जाएगी तो तीव्रता कम, तीव्रता कम तो ये ज़्यादा हो जाएगी। तो इस चीज़ से जानिए कि ये सीधा सीधा रिलेटेड होता है, ये जो है विपरीत होता है, ठीक है, ये चीज़ हो गया, ठीक है, ये चीज़ भी एग्जाम में आपके पूछी गई है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे एक सामान्य डेसिबल पूछा जाता है, सामान्य वार्तालाप, सामान्य वार्तालाप, वार्तालाप जो होता है वो होता है 30 से 40 के बीच, ठीक है, लेकिन तेज वार्तालाप, तेज वार्तालाप जो होता है ये होता है 50 से 60 के बीच, 50 से 60 के बीच होता है। तो आप याद रखिएगा जो है 30 से 60 के बीच जो है लगभग बातचीत इंसान करते हैं, 30 से 60 के बीच, ठीक है, शुरुआत के दो ले लेंगे जो है धीमे आवाज़ करने वाले और फिर तेज़ आवाज़ करने वाले, ठीक है, ये हो गया आवाज़, ठीक है। WHO ने कितनी जो है मानव के लिए बढ़िया बताया, तो 75 डेसिबल तक का, ठीक है, 75 डेसिबल तक का जो है, 75 से 80 डेसिबल तक का जो है ठीक ठाक बताया है कि हाँ उतनी सहन कर सकता है, उतनी शरीर के लिए सही है, ठीक है, उससे ज़्यादा जो है हानिकारक हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो जाती तीव्रता या लाउडनेस, यानी कि इतनी तेज जो है सुन सकता है या जो है इतना तेज जो है हो सकता है, ठीक है, ये तो हो गई तीव्रता की बात हो गई। अब उसके बाद तारत्व की बात करते हैं, तारत्व यानी कि पिच, ये क्या चीज़ होती है, तारत्व, तारत्व, ठीक है, तारत्व यानी कि पिच, पिच क्या होती है, जैसे थोड़ा सा उदाहरण से बता रहे हैं, जैसे ये गेंदबाज होता है, क्रिकेट का मैदान लेते हैं, उसमें क्या होती है, पिच होती है, पिच क्या, जैसे यहाँ से गेंद फेंकी जाती है यहाँ पे पिच होती है, ठीक है, ये चीज़, एक यहाँ से गेंद फेंकी जाती बीच में ही पिच हो जाती है, तो ये होती है पिच, यानी कि टिप्पक खाना, क्या होती है, टिप्पक खाना। गेंदबाज जो है क्या कहते हैं, अगर कोई आदमी कम मेहनत लगाता है वो पहले टिप्पक खा जाएगी तब जाएगी, और कोई बहुत मेहनत लगा देता है तो दूर तक पहुँचाता है तो ज़्यादा दूर तक जाएगी, यानी कि यही चीज़ होती है टिप्पक या पिच, ठीक है, टिप्पक खिलाने या पिच। लेकिन इसमें क्या मतलब है, इसमें क्या मतलब है ज़रा समझिए, जैसे जो वुमन्स होती हैं, ठीक है, औरतें या बच्चे होते हैं, उनके गले में जो स्वरित्र लगा होता है, ठीक है, उनके गले में जो स्वरित्र उत्पन्न करता है वो होता है छोटा, और जो आदमियों के गले में लगा रहता है स्वरित्र वो होता है बड़ा। तो इससे जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है वो जो है छोटी छोटी आवृत्तियों की होती है, ये छोटी छोटी आवृत्ति ऐसे जो है होती है, यानी कि आवृत्ति इनकी जो है छोटी छोटी होती है, यानी कि किसी बात को कहने में जो है वो ज़्यादा चक्कर लगा देती है, यानी कि इनकी आवृत्ति क्या होती है जो है ज़्यादा हो जाती है, क्या हो जाती है, ये जो छोटा सा यंत्र लगा किसी एक ही बात को, एक ही बात को कहने में इनका छोटा चक्कर है, जैसे आप गाड़ी का मान लीजिए बड़ा चक्कर है एक छोटा चक्कर है, तो ये एक चक्कर में इतनी दूरी तय करता है, और छोटा वाला पहिया क्या इतनी दूरी करने में एक ही, इसका बड़ा वाले का एक चक्कर और इसका पता नहीं कितना 10 चक्कर हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ भी है, तो वही चीज़ यहाँ भी है क्या, कि ये जो स्वरित लगा होता है छोटी सी बात कहने में ये बहुत सारे चक्कर लगाता है, यानी कि आवृत्ति इनकी ज़्यादा होती है, किसकी, औरत की, ठीक है, औरतों की जो है, औरत या बच्चों की जो है, ठीक है, आवृत्ति ज़्यादा होती है, आवृत्ति ज़्यादा होती है। तो देखिए आवृत्ति ज़्यादा होती है मतलब कि एक ही बात को कहने में आवृत्ति ज़्यादा होती है, ठीक है ना, और आवृत्ति जब ज़्यादा होगी तो पिच भी क्या, पिच अभी मैंने बताया टिप्पक खिलाना, ठीक है, तो ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी टिप्पक खा रहे हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, तारत्व भी ज़्यादा हो जाएगा, तारत्व ज़्यादा हो जाएगा। जब तारत्व ज़्यादा हो जाएगा आवृत्ति ज़्यादा हो जाएगी, दोनों एक ही चीज़ है, तारत्व आवृत्ति दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, आवाज़ सुरीली हो जाएगी, आवाज़ सुरीली हो जाएगी, आवाज़ जो हो जाती है सुरीली हो जाती है, ठीक है, जब जो है पिच ज़्यादा हो जाती है तो आवाज़ सुरीली हो जाती है, ठीक है। वहीं अगर पिच जो है ये चीज़ हो गई,
अब क्या होता है आदमियों में ये बड़ा स्वरित लगा रहता है, तो इतनी बड़ी बात का है, इतनी बड़ी बात थोड़ा छोटी करते हैं, इतनी बड़ी बात नाप के रखते हैं, इतनी बड़ी बात। अब इतनी बड़ी बात आदमी का स्वरित लगा है बड़ा, ठीक है, आदमी का जो स्वरित लगा है बड़ा, तो वही बात कहने में जो है थोड़ा, वही बात कहने में जो है थोड़ा सा कम चक्कर लगेंगे। यानी कि क्या होती है आदमी की क्या होती है इसमें, आवृत्ति जो है कम हो जाती है, आवृत्ति कम हो जाती है, तो तारत्व भी क्या हो जाएगा, तारत्व कम हो जाएगा, ठीक है। और आवाज कैसी हो जाएगी, आवाज सुरीली, श्रिल, श्रिल, ठीक है, श्रिल हो जाती है, और इसमें ग्रे हो जाती है, मोटी हो जाती है, आवाज मोटी हो जाती है। तो ये चीज होती है आदमियों में, ठीक है, ये चीज होती है आदमियों में। अब यही चीज होती है शेर में, शेर की आवाज क्या होती है, बहुत ही जो होती है मोटी होती है, ठीक है ना। जो शेर होता है उसकी आवाज कैसी होती है, बहुत ही मोटी होती है, ठीक है। शेर की आवाज जो है तारत्व बहुत ही कम होता है, तो यानी कि जो है उसका तारत्व जो है बहुत कम होता है। शेर मोटी आवाज किसकी होती है, आदमियों की होती है, तो ऐसे शेर की आवाज भी क्या होती है, मोटी होती है, दहाड़ होती है, ठीक है। दहाड़ जैसे आदमी दहाड़ते हैं वैसे शेर भी दहाड़ता है, लेकिन उनकी क्या है तारत्व बहुत ही कम होता है। तो भैया ये तो समझा ही दिए, तारत्व जब कम होगा, ठीक है, तारत्व का मतलब टिपक टिपक जब कम होगी तभी तो दहाड़ेगा, यानी कि उसके अंदर इतनी ऊर्जा होती है, जिसके अंदर ज्यादा ऊर्जा, जैसे आदमियों के अंदर ज्यादा ऊर्जा होती है, शेर के अंदर भी ज्यादा ऊर्जा होती है, दहाड़ते हैं बिल्कुल, जब दहाड़ते हैं तो क्या होता है वो बिल्कुल टिपक दूर तक जाते हैं, यानी कि आदमी कोई गेंद फेंके तो दूर तक जाएगी, औरतें वही गेंद फेंके तो पास में, बहुत टिपक खाने पड़ेंगे, बहुत पिच करेंगे, ठीक है ये चीज। अब जैसे मच्छर की आवाज हो गई, तो इसमें मच्छर की आवाज हो गई, ठीक है, मच्छर की आवाज। अब मच्छर में क्या है, दम नहीं है ना, दम नहीं है तो फेंकेगा, मतलब कि जैसे मच्छर ही है कोई, दम नहीं है तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा पिच करेगा, तो बहुत ज्यादा, यही जो है तारत्व ज्यादा हो गया, आवृत्ति ज्यादा हो गई, तो आवाज सुरीली हो गई। मच्छर की आवाज भी भुनभुनाहट होती है, सुरीली हो जाती है, तो जैसे मच्छर की आवाज वैसे औरतों की आवाज होती है, यानी कि उनमें पिच बहुत ही ज्यादा हो जाती है, ठीक है। आदमियों की आवाज बिल्कुल दहाड़ जैसी होती है, पिच बहुत कम होता है, लेकिन जो है आवाज मोटी हो जाती है, दहाड़ जैसी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपके समझ में आई होगी, हम केवल आपको समझा रहे हैं, आप समझ लीजिए, क्योंकि फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट है जिसको समझेंगे नहीं तो उसके क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। चाहे जितना रट के जाइए आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे या भूल जाएंगे, ठीक है। तो उसे आप समझिए हर चीज़ को, हर फिजिक्स समझने का सब्जेक्ट है, ठीक है, रटने का सब्जेक्ट नहीं है। जो रटने वाला होता है मैं खुद ही ट्रिक बना के रटा देता हूँ, लेकिन जो रटने वाला नहीं होता उसे मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए, ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है फिजिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक है, पिच हो गया। तो हमने ये एक चीज पढ़ी तीव्रता, यानी कि लाउडनेस, लाउडनेस पढ़ी हमने, तीव्रता तेजी पढ़ी हमने, और दूसरी चीज हमने यहाँ पे पढ़ी है उसकी जो है मोटा या पतला, यानी कि पिच, पिच हम लोगों ने पढ़ लिया, यानी कि मोटा या पतला, मोटी या पतली आवाज, पतली आवाज, यानी कि जो है ये पढ़ लिया, यानी कि तारत्व तो पढ़ लिया, तारत्व तो, ठीक है, तार, जैसे तार नहीं होता, तार तो मान लीजिए बिजली वाला तार, कोई तार क्या होता है मोटा होता है, कोई तार पतला होता है, तो इस तरीके से मोटा पतला आप जानिएगा, कोई तार मोटा कोई तार पतला, यहाँ लाउडनेस है यानी कि तेजी पना होती है, ठीक है। तीव्रता इसे कहते हैं, तीव्रता, ठीक है, ये चीज़ हो गई। पिच होती है तारत्व, तारत्व तो कहते हैं तार, तार मोटा भी होता पतला भी होता। गुणता क्या होती है, गुणता का मतलब होता है एक प्रकार का टोन, ठीक है, गुणता होती है एक प्रकार की टोन होती है, टोन, जैसे ये लाउडनेस समान है, यानी कि दोनों को समान फ्रिक्वेंसी, समान फ्रिक्वेंसी पर रख दिया है। जैसे लता जी हैं और कोई दूसरी गायिका ले लिया, ठीक है, लता जी हैं कोई दूसरी गायिका ले लिया, उनकी जो आवाज़ है, ठीक है, उनकी जो आवाज़ है वो एक सेम उतनी ही तेज रहे, यानी कि लाउडनेस उसका दोनों का बराबर कर दीजिए, सेम रहे, ठीक है। और उनकी जो तारत, लड़की औरतों का तारत क्या होता है, ये तो सबका कम होता है, ठीक है, यानी कि सबकी जो है तारत तो ज़्यादा होगा, औरतों का तारत तो ज़्यादा होगा, तो इनकी आवाज़ क्या होती है, पतली होती है, तो पतली हो जाएगी, औरतों की आवाज़ कैसी होती है, पतली होती है, तो सभी औरतों की। अब जैसे मान लीजिए जो है लता जी हो गई, उनकी आवाज़, ठीक है, और जो है अनुराधा जी हो गए, अनुराधा पोडवाल, अनुराधा पोडवाल, ठीक है, दो गायिका हो गई, अनुराधा पोडवाल और जो है लता मंगेशकर, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीज़ बराबर हैं,
ठीक है, एक रेडियो पे आप उनको स्टार्ट करिए, एक रेडियो पे उनको उनको बराबर तेज करिए, ठीक है। और उनकी औरतों की क्या होती है, पतली आवाज़ होती है, ठीक है, दोनों लोगों की एक से एक पतली आवाज़ है, लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ पहचान में आ जाती, क्यों, क्योंकि उनकी टोन अलग होती। टोन का मतलब क्या होता है कि दो शब्दों के बीच में कितना गैपिंग जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड होकर एक टोन बन जाती है। यह होता नहीं है, ये शब्दों के बीच की गैपिंग होती नहीं, लेकिन इसी से मिलाकर एक क्या है, एक टोन बन जाती है। टोन की उसके जो है प्रत्येक वर्ड के बीच उतना ही गैपिंग जाएगा और इनके प्रत्येक वर्ड के बीच उतना ही गैपिंग जाएगा, तो ऐसे ही कुछ बन जाती है, टोन बन जाती है। जैसे हमारी आवाज़ हो गई, आपकी आवाज़ हो गई, कहीं ना कहीं भिन्नता पाई जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से यही हो जाती है, उनकी टोन हो जाती है, यानी कि दोनों चीज़ें समान होने पर तीव्रता तीव्रता तथा, ठीक है, तारत्व तारत्व, दोनों चीज़ समान होने पर गुणता के द्वारा अंतर प्रकट किया जाता, गुणता के द्वारा अंतर किया जा सकता है, अंतर किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है। मतलब ये क्या है, लक्षण है ध्वनि के, ये लक्षण होते हैं। क्या, पहला तो किसी भी आवाज़ को उसकी तेजी या धीमी से पहचान लीजिए, पिच से पहचान लीजिए, नहीं तो गुणता से तो पहचान ही, किसी लेडीज़ की आवाज़ है फिर भी जो है दोनों चीज़ें सेम कर दीजिए, फिर भी उसकी टोन अलग रहेगी, ठीक है, टोन अलग रहेगी, यही उसका गुण होता है या गुणता होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, ये जो है ध्वनि के लक्षण, ठीक है, ध्वनि के लक्षण हो जाते हैं। ध्वनि के लक्षण के बाद आता है इनका गुण, गुण आ जाता है, ठीक है। तो गुण आ जाता है, तो गुण भी क्या होते हैं, गुण भी ध्वनि के क्या होते हैं, गुण, गुण भी वही सब होते हैं जो प्रकाश के गुण होते हैं, ठीक है। प्रकाश के जितना भी गुण होता है वो ध्वनि के जो है लगभग सेम होते, कुछ नहीं होते, बाकी सारे होते हैं। जैसे ध्वनि में क्या होता है, ध्रुवण नहीं होता है, पोलराइजेशन नहीं होता, ध्वनि में जो है पोलराइजेशन नहीं होता, इसमें होता है, ठीक है। और एक दो ऐसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव इसमें नहीं होता, वैद्युत प्रभाव नहीं होता ध्वनि में, ठीक है। तो इस तरह एक दो चीज़ें नहीं होती, बाकी सब इसमें होते हैं। तो गुणों में आ जाते हैं पहले परावर्तन, यानी कि परावर्तन का मतलब क्या होता है कि आवाज़ का किसी कहीं सतह पर पड़ना और फिर लौट आना, ठीक है। परावर्तन का मतलब क्या होता है, ध्वनि का, ठीक है, ध्वनि का सतह पर पड़कर लौट आना, सतह से टकरा कर लौट आना, ठीक है। यानी कि कोई ध्वनि कहीं पर टकराई और टकराने के बाद लौट आई, ठीक है, तो लौट आने को ही जो है क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, बिल्कुल सही है। अब परावर्तन जब होता है, ठीक है, ध्वनि का सतह से टकरा कर लौट आना ही परावर्तन कहलाता है। जैसे कोई जो ध्वनि है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ पे आवाज़ गई और टकरा के लौट आई, ठीक है, तो कभी कभी उसको अपना इको प्रतिध्वनि सुनाई दी, कभी कभी नहीं, यहीं से आ जाता इको, यानी कि प्रतिध्वनि आ जाता है, यानी कि कब इको होगा, देखिए कब इको होगा, ठीक है, जब दूरी जो है 17 मीटर से ज़्यादा होने पर, से ज़्यादा 17 मीटर से ज़्यादा है तो इको होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए आप इस बात को समझिए, नहीं तो एग्जाम में क्या दिख देगा, 17 मीटर होनी चाहिए, 17 से कम होना चाहिए, 17 से ज़्यादा हो जानी, ये कन्फ्यूज हो जाएंगे कम या ज़्यादा। अब इस बात को समझिए, तो प्रतिध्वनि होती 17 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, दूरी। अब कैसे होता, सुनने वाले और लौट के आने में 17 मीटर की गैपिंग होनी, कैसे होनी चाहिए, देखें मनुष्य के दिमाग पर जो है ध्वनि का प्रभाव 0.1 सेकंड तक बना रहता है, ठीक है, दिमाग पर ध्वनि का प्रभाव जो है 0.1 सेकंड तक, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है, ये भी चीज़ पूछा गया है, ठीक है। दिमाग पर ध्वनि का प्रभाव जो रहता है 0.1 सेकंड तक रहता है, यदि इसके पहले उसके बाद अगर कोई ध्वनि आती है तो दिमाग जो है उसमें अंतर कर लेता है, लेकिन उसी दरमियान कोई दूसरी ध्वनि आ जाती है 0.1 सेकंड में,
तो दिमाग उसमें अंतर नहीं कर पाता, पहली वाली ध्वनि में क्या करता है, मिक्स कर देता है। ठीक है, तो यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय से, चाल बराबर दूरी बटे समय से, ठीक है, चाल कितनी है 332 है, ठीक है, बराबर दूरी कितनी है पता नहीं है, दूरी कितनी है यहाँ से, ये सुनने वाला यहाँ से ये गई और वापस आई, यानी कि एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, यानी कि दूरी कितनी हो गई, एक्स एक्स गया यानी कि एक्स गई और लौट के आई एक्स, यानी कि 2x हो गई। ठीक है, एक्स और एक्स जोड़ लेंगे 2x हो गई। नीचे समय कितना, 0.8 एक सेकेंड है। ठीक है, यानी कि इस सेकेंड अंतराल पे अगर कोई ध्वनि हमको सुनाई दी, तब तो फिर जो है हम इस समय अंतराल के बाद अगर सुनाएंगे तब तो अंतर कर पाएंगे, वरना जो है हमारी ध्वनि हमको सुनाएगी हम उस पर अंतर नहीं कर पाएंगे। इधर गुणा कर दें तो 33.2 आ गया, ये 2x आ गया, यानी कि x बराबर इसका आधा कर लेंगे तो 16.6 मीटर आ गया, यानी कि इससे ज़्यादा ही होगी तभी अंतर कर पाएंगे अन्यथा नहीं। तो 16.6 को क्या लिखा गया, वही 17 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो 17 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए तभी हम अंतर कर पाएंगे, अन्यथा अंतर हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अन्यथा अंतर हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया उसका परावर्तन ध्वनि का। ये इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब परावर्तन क्या होता है कि जैसे थिएटर वगैरह हो गए, थिएटर 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 की जो दीवाले होती हैं, थिएटर की दीवाले, ठीक है, दीवाले ऐसी होती हैं जो सोख लें, क्या सोख लें, आवाज़ को सोखने वाली बनाई जाती हैं दीवाले, आवाज को अवशोषित करने वाली बनाई जाती हैं, अवशोषित करने वाली बनाई जाती हैं, करने वाली बनाई जाती हैं, करने वाली बनाई जाती हैं। ठीक है, क्यों ऐसा किया जाता है, थिएटर की जो दीवारें होती हैं आवाज़ को अवशोषित करने वाली बनाई जाती है, क्यों, क्योंकि वो एक बंद कमरा होता है, यहाँ पे पिक्चर चल रही होती है। अगर मान लीजिए यहाँ से जो लगे हुए हैं अगर ये बजते हैं तो क्या यहाँ लड़के फिर से क्या होंगे, जैसे यहाँ पे जनता बैठी हुई है, ठीक है, जनता बैठी हुई है तो क्या आवाज़ यहाँ से लड़ेगी और टकरा के इनके कान में जाएगी। ठीक है, ये एक तो पहले क्या होगी, आवाज़ पहले इनके कान में जाएगी और दूसरी चीज़ एक आवाज़ यहाँ जाएगी टकरा के फिर जाएगी, तो बहुत जो है वो समझ नहीं पाएंगे आवाज़ को, इसीलिए यहाँ पर जो आवाज़ जाती है उसको सोख लिया जाता है और इनको केवल एक ही आवाज़ सुनाई देती है, एक ही आवाज़ सुनाई देती, फिर भी थिएटर में बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत होने लगती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो है दिक्कत होने लगती है, तो इसीलिए होता है कि उनको जो है प्रतिध्वनि ना सुनाई दे, थिएटर की आवाज़ को जो है अवशोषित करने वाला बनाया जाता है क्योंकि प्रतिध्वनि ना सुनाई दे। ठीक है, क्योंकि जो है प्रतिध्वनि ना सुनाई दे, प्रतिध्वनि ना हो, नहीं तो वो जो है क्या करेगा, समझ नहीं पाएगा। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें, परावर्तन होता है, अपवर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, अपवर्तन क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाती हैं तो उसकी जो है क्या कहते हैं, बदल जाती है। ठीक है, आवृत्ति नहीं बदलती, बाकी सब बदल जाता है, उसमें जो है अध्यारोपण भी होता है, अध्यारोपण भी होता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ और पढ़ने लायक है, सन्नादि। ठीक है, क्या पढ़ने लायक है, सन्नादि, सन्नादि। ठीक है, सन्नादि क्या होती हैं, एक खुला पाइप होता है, बंद पाइप होता है, एक खुला पाइप होता है, खुला पाइप एक होता है बंद पाइप। ठीक है, एक खुला पाइप होता है, एक बंद पाइप होता है। खुला पाइप जो होता है, इससे खुला पाइप जैसे ये हो गया, इससे कितनी सन्नादियाँ जो हैं उत्पन्न की जाती हैं, तो इससे जो होती हैं, खुला पाइप है ना, इधर भी खुला है और इधर भी खुला है, तो इससे क्या होता है, सम तथा विषम दोनों, सम तथा विषम, विषम दोनों सन्नादि। ठीक है, दोनों खुले पाइप से क्या होते, दोनों मुंह से जो है क्या कहते हैं हवा जाती आती है, तो इतने सम सन्नादि भी होंगी, विषम सन्नादि भी होंगी, लेकिन बंद से क्या होती, केवल विषम, बा से बंद बा से विषम, याद रखिएगा, ऐसे याद रखिए, बा से बंद बा से विषम, इतनी सन्नादियाँ जो हैं इससे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इतनी सन्नादि जो हैं इससे उत्पन्न होती हैं, तो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद है क्या है, इसी का ही एक और लक्षण है, डॉपलर प्रभाव। ठीक है, क्या है, डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, ये क्या चीज होती है, देखिए जब श्रोता, ये है श्रोता, ठीक है, और ये है स्रोत, स्रोत श्रोता, ये है श्रोता सुनने वाला और ये है स्रोत बजने वाला। ठीक है, ये है स्रोत बजने वाला, जब ये चल रहा हो,
ये चल रहा हो इसकी ओर जा रहा हो, या ये रुका हो ये चल रहा हो, या दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हो, या दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हो। चार कंडीशन बनती हैं इसमें, क्या कि या तो ये स्थिर हो, ठीक है, ये स्थिर हो, ये केवल चल रहा हो, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि ये स्थिर है ये चल रहा हो। तीसरी कंडीशन ये हो गई कि दोनों एक दूसरे की चल रहे हो। और चौथी कंडीशन ये हो गई कि दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हो। तो यानी कि जब एक दूसरे की ओर चलेंगे तो उनकी आवृत्तियाँ क्या हुई, बदली हुई प्रतीत लगती हैं, ठीक है। उधर से ट्रेन आ रही, इधर से हम भी जा रहे हैं, तो ट्रेन के पहले जो है आवाज़ कुछ और सुनाई देगी आवृत्ति, और फिर बाद में कुछ और सुनाई देगी आवृत्ति, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यानी कि जो है जब इनमें इनमें जो है क्या होता है, श्रोता तथा स्रोत, स्रोत में आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति, समझिएगा जरा, आपेक्षिक। आपेक्षिक गति का मतलब हो गया या तो एक चल रहा है, या तो दूसरा चल रहा है, या तो दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, या तो दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, यानी कि कुछ उनमें गति हो रही है, ठीक है। आपेक्षिक गति का मतलब है कि उनमें कुछ गति है, यानी कि उनकी जो गति है वो बदल रहे, उनके बीच की जो डिस्टेंस है बदल, आपेक्षिक गति का मतलब है डिस्टेंस बदलना, बीच की दूरी बदलना, बदलना, ठीक है, लगातार, ये इसका जो है मतलब हो जाता है, बीच की दूरी लगातार बदलना है उसकी क्या होती है, आपेक्षिक गति होती है, ठीक है। यही मतलब, इसी शब्द का मतलब नहीं समझ में आता, क्या होता है, यही होता है कि बीच की दूरी लगातार बदलते रहना, यानी कि दोनों जो है मूवमेंट करना, तो ये होता है आपेक्षिक गति। जो श्रोता और स्रोत में आपेक्षिक गति होती है तो आवृत्ति बदली हुई प्रतीत लगती, तो आवृत्ति बदली हुई सी हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, ठीक है। इसे ही क्या होती है, इसे ही क्या कहते हैं, डॉपलर का प्रभाव कहते हैं, डॉपलर का प्रभाव कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई इंजन हमारी ओर आ रहा ट्रेन का, तो पहले वो जो दूर होगा तो हमें हल्का सुनाई देगा, फिर जब हमारे पास आता रहेगा तो पास आती हुई ध्वनि स्रोत, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पास आती हुई, ठीक है, स्रोत से सिरिल सिरिल आवाज, ठीक है, और दूर जाती हुई वस्तु से, ठीक है, मोटी या ग्रेव, ठीक है, ये सिरिल का मतलब हो गया पतली, पतली आवाज होती है। पतली होने का मतलब क्या है कि उसकी आवृत्ति बढ़ती हुई झलकती है, ठीक है, जब पास आती हुई वस्तु है तो आवृत्ति बढ़ जाती है, ठीक है, और जब दूर जाती है तो आवृत्ति घट जाती है। ये सारे पॉइंट आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। जब देखिए इंजन दूर से सीटी मारता तो हमें इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं, लेकिन जब हमारे पास आके मारता तो जिसे लगता है कान खा जाएगा, ठीक है, यानी कि बहुत आवाज़ पतली हो जाती है और तेज भी हो जाती है, इसी का उल्टा ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई इसकी जो है क्या कहते हैं, आवृत्ति जो है बदली हुई सी जो है प्रतीत होती है, ठीक है, बदली हुई से जो है प्रतीत होती है, ये हो गया आपका। फिर ये जो डॉपलर प्रभाव होता है ये प्रकाश में भी होता है, लेकिन प्रकाश में ये हमेशा जो है क्या कहते हैं, ये देखने वाला है, इधर से प्रकाश आता जाएगा तो उसे दूर से कम दिखेगा, पास आते आते ज़्यादा दिखेगा, फिर जब दूर जाएगा तो इसे जो है कम, वैसे हुए धोखा जो है कम दिखता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है ये नहीं होता कि पहले ज़्यादा दिखता है या कम दिखता है, ऐसा नहीं होता, इसमें बराबर दिखता है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे कोई प्रकाश है इतनी दूरी पर, और फिर जब गुजर जाएगा ये तो इतनी दूरी, अगर ये डिस्टेंस बराबर है तो उसे बराबर इंटेंसिटी का प्रकाश दिखेगा, ठीक है ना, बराबर इंटेंसिटी का प्रकाश दिखेगा। तो ये चीज़ हो गया आपका डॉपलर प्रभाव, ठीक है, ये हो गया डॉपलर प्रभाव। फिर एक होती है मैक संख्या क्या होती है, इससे जो है गति ज्ञात की जाती है, गति ज्ञात करते हैं, मैक क्या है, गति ज्ञात करते हैं, किसके, वायुयान की गति ज्ञात करते हैं, ठीक है, मैक से। अब जैसे मैक क्या होता है, मैक बराबर होता है माध्यम में पिंड का वेग बटे माध्यम
में ध्वनि का वेग, का वेग, ठीक है, वेग यानी कि जो है 3.2 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि का वेग तो माध्यम में, जैसे हवाई जहाज उड़ता है तो हवाई जहाज की चाल ऊपर लिखते हैं, ठीक है, और नीचे जो है ध्वनि का वेग लिख देते हैं, तो उससे क्या आ जाता है, मैक संख्या आ जाती है, मैक आ जाती है। अब यदि ये 1 के बराबर होगी, 1 के बराबर होगी यानी कि जो जहाज चल रहा है भाई, यहाँ पे 1 हो गया, तो ये चीज़ इधर आ गई, यानी कि ध्वनि का वेग पिंड का वेग सेम सेम हो जाएगा, यानी कि अगर 1 हो जाता है तो दोनों का वेग समान, ठीक है, समान वेग हो जाता है, समान वेग हो जाता है, ठीक है। अगर मैक संख्या 1 हो गई तो जो है मैक संख्या अगर 1 हो गई तो दोनों का वेग समान हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 हो जाएगा इधर, तो यानी कि ये हो जाएगा। अगर 1 से ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो ये कहलाता है सुपरसोनिक वेग चलाता है, ठीक है। जब 2 हो जाती है मैक, तो यानी कि ये हो गया सुपरसोनिक, ठीक है, सुपरसोनिक, सुपरसोनिक, ठीक है, ये कहलाती है। अगर 5 से ऊपर हो जाए तो एक्स्ट्रा सुपरसोनिक होती है, ठीक है। तो ये हो गई, याद करिएगा, मैक संख्या, क्या मैक संख्या, ये भी आपके एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, ऊपर जो रहेगा जहाज, नीचे रहेगा ध्वनि, ठीक है, ऊपर जहाज नीचे ध्वनि। तो ऐसा भी क्या है, जहाज कहाँ उड़ता है, ऊपर उड़ता है, जहाज कहाँ उड़ता है, ऊपर, आदमी कहाँ रहता है, ध्वनि कहाँ होती है, नीचे, नीचे हमें सुनाई देती है ना, नीचे ध्वनि होती है, तो ध्वनि का नीचे, तो आकाश में जहाज उड़ता है, ध्वनि उसकी कहाँ, नीचे सुनाई देती है। तो ये हो गया क्या, माइक, ठीक है, ऐसे आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें भूल जाती हैं एग्जाम सेंटर तक पहुँचते पहुँचते, ठीक है। तो इतना रहा, ठीक है, इसके जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने कल देखे थे, कुछ कुछ आगे देख लेंगे, ये लेसन आपका पूर्ण हो गया, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए।